आज हम पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो जो आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, इसका सिंपल सा मीनिंग है कि करंट के कारण जो है हीट आ जाना। तो अब हम देखेंगे कि इसमें जो है करंट के कारण हीट कैसे आती है, कैसे जो आपका जो करंट से हीट प्रोड्यूस होती है। तो हम सभी जानते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट है उसका मेन सोर्स क्या है, उसका मेन सोर्स आपका बैटरी होती है। बैटरी से जो आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी आती है, लेकिन बैटरी के अंदर ये इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है कैसे आती है, तो ये आपकी आती है केमिकल रिएक्शन के द्वारा। जो बैटरी के अंदर आपका केमिकल रिएक्शन होता है उसके कारण क्या होता है, इसके जो टर्मिनल है इसके ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो जनरेट हो जाता है। और जब इस बैटरी को हम किसी भी सर्किट में जोड़ते हैं तो इसके साथ जो आपके रजिस्टर लगे होंगे उनके अंदर क्या हो जाता है, उनके अंदर जो उसके इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो करने लगते हैं। अब अगर आपको सर्किट के अंदर करंट को मेंटेन बना के रखना है तो जो बैटरी से आपकी एनर्जी जा रही थी, जो बैटरी से आपकी सोर्स जा रही थी वो क्या करनी पड़ेगी, इसको मेंटेन बनाने के लिए वो एनर्जी जो क्या हो रही है वो एक्सपेंडेड हो रही है। अब ये जो एनर्जी आपकी बैटरी से सर्किट के अंदर आ रही है इसका कुछ पार्ट तो है वो करंट को मेंटेन करने के लिए, करंट के द्वारा जो है यूजफुल वर्क के लिए कंज्यूम हो रहा है। जस्ट लाइक मान लीजिए आपका फैन रोटेट हो रहा है, वो एनर्जी जो है फैन को रोटेट करने के लिए यूज हो रही है, लेकिन रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ दिस एनर्जी एक्सपेंडेड इन द फॉर्म ऑफ हीट, और जिसके कारण क्या हो जाता है आपका जो गैजेट होता है उसका टेम्परेचर जो है वो राइज हो जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि आप जो गैजेट वगैरह यूज करते हैं, जस्ट लाइक आप मोबाइल वगैरह यूज करते हैं, तो थोड़ी देर में वो गर्म क्यों हो जाता है, क्योंकि आपका आपका जो एनर्जी जो आपका सोर्स प्रोवाइड करा रहा है उस कुछ तो एनर्जी आपकी जो है यूजफुल यूज हो रही है, कंज्यूम की जा रही है उस गैजेट के द्वारा, लेकिन कुछ एनर्जी जो क्या हो रही है वो एक्सपेंडेड हो रही है हीट की फॉर्म में। अच्छा, अब हम देखते हैं कि दूसरी तरफ कुछ गैजेट ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है कि वो बने ही हीट अप के लिए होते हैं, उनका काम ही क्या होता है, हीट अप करना होता है। अच्छा, आप देखिए, अगर आपका इलेक्ट्रिक जो सर्किट है वो पूरी तरह क्या है, वो रेजिस्टिव है। अब क्योंकि आपका इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है वो पूरी तरह से रेजिस्टिव है, तो जो बैटरी उसको जो एनर्जी प्रोवाइड कर रही है वो सब की सब किस में चेंज हो रही है, वो चेंज हो रही है आपकी सारी की सारी एनर्जी हीट के फॉर्म के अंदर जो है वो चेंज हो रही है, और दिस इज नोन एज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसको ही हम जो क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। चला चला इसको समझने के लिए हम देखते हैं, मान लीजिए आपका जो ये सर्किट है, अब इस सर्किट के अंदर आप लेट कर लीजिए कि लेट जो आपका करंट जा रहा है, करंट कितना जा रहा है बेटा, आई। इस सर्किट के अंदर आपका करंट जो है वो कितना है, आई। और जो रेजिस्टर यूज हुआ, क्योंकि वो प्योरली रेजिस्टिव है उसका काम हीट करना है, तो उसकी रेजिस्टेंस को भी हम लेट कर लेते हैं, लेट रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कितनी है आपकी, रेजिस्टेंस आपकी आर ले लेते हैं। और उसी तरह हम जो है पोटेंशियल डिफरेंस, जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको भी हम लेट कर लेते हैं, लेट पोटेंशियल डिफरेंस, लेट पोटेंशियल डिफरेंस वी वी, उसको हम क्या ले लेते हैं, वी ले लेते हैं। अब जरा आप थोड़ा पीछे जाइए, जब हमने चैप्टर में स्टार्ट किया था, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या काम करता है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है आपका क्या करता है, उसके द्वारा वर्क डन किया जाता है। किसका वर्क डन किया जाता है, चार्जेस को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का। तो पोटेंशियल डिफरेंस आपका किसके होता है, डब्ल्यू अपॉन क्यू, वर्क डन किया गया है और चार्जेस को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए यूज किया जाता है। अब आप सपोज कर लीजिए कि आपको इसमें से W की वैल्यू निकालनी है इस इक्वेशन से, तो हम कैसे निकालेंगे, W इज इक्वल टू ये आपका इधर आ जाएगा V और Q। आपको समझ में आ रहा है कि जब से आएगा तो आपकी W, और इसको आप जो है इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है, क्यों जरा भी देखिए। अच्छा, अब आप इस रजिस्टर के अंदर जो आप देख रहे हो जो करंट है वो हमने क्या लिया था, आए। तो जिस तरह पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि वर्क डन होता है और चार्जेस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, उसी तरह जो आपका करंट है वो क्या है, वो क्या करता है, वो चार्जेस को फ्लो करता है। जो आपके इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, मतलब चार्ज का फ्लो, और जो इसने टाइम लिया, तो आपका करंट किसके इक्वल हो गया, क्यू अपॉन टी। ये चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने
किया था। अच्छा अब आप देखिए, अब जैसे आपने यहाँ पे W की वैल्यू निकाली, हम यहाँ पर जो Q की वैल्यू निकालेंगे इस इक्वेशन से, तो आपकी Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, आई टी। समझ में आ गया ना आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई करके Q I T। अब ये Q की वैल्यू हम कहाँ पुट कर देते हैं, इस Q की जगह पुट कर देते हैं। तो जैसे ही हम इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू V। अब Q की जगह हम क्या लिखने जा रहे हैं, I T। Q की जगह हमने क्या लिख दिया, I T। तो आपका जो वर्क डन हुआ वो क्या हुआ, V I T। क्योंकि आपका रजिस्टर जो है कैसा है, प्योरली रेजिस्टिव है, तो इसलिए जो वर्क डन हो रहा है बेटा वो क्या वर्क डन हो रहा है, वो हीट की फॉर्म में वर्क डन हो रहा है। तो आपकी हीट कितनी होगी, वी आई टी। और दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ हीट, ये आपकी हीट का पहला फॉर्मूला है कि हीट जो है कैसे निकाली जाती है। अच्छा अब हम चलते हैं दूसरे फॉर्मूले की तरफ। देखिए जब हम हीट का दूसरा फॉर्मूला निकालेंगे तो आप लोग जो है, होम लो तो आपको अच्छे से मालूम है, चलो बताइए होम लो क्या होता है। देखिए आपका होम लो होता है V इज इक्वल टू आई आर। वेरी गुड, आप सभी को होम लो जो अच्छे ढंग से आता है, तो V इज इक्वल टू आई आर। अब बच्चों अगर हम V की वैल्यू इसमें पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए अगर हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एच इज इक्वल टू V की जगह हम क्या लिख देंगे, आई आर। और यहाँ क्या हो जाएगा, आई टी। अब H इज इक्वल टू, क्योंकि I दो बार है तो हम लिख सकते हैं आई आर आई स्क्वेयर आर टी। ये आपका हीट का दूसरा फॉर्मूला आ गया। तो क्या हुआ, देखो H इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी, ये आपका हीट का जो है दूसरा फॉर्मूला आ गया। और इसको ही हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं दिस इज नोन एज द जूल लॉ ऑफ हीटिंग कहते हैं। और जो ये लॉ होता है ये एम्प्लाई करता है दैट हीट प्रोड्यूस इन ए रजिस्टर, जब आपकी हीट प्रोड्यूस रजिस्टर होगी तो नंबर वन क्या होगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर ऑफ करंट, आपको दिख रहा है ना आई स्क्वायर। तो जो आपकी हीट होती है वो क्या होगी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, टू द स्क्वायर ऑफ करंट फॉर अ गिवन रेजिस्टेंस। अब दूसरा आप देख रहे हो, दूसरा क्या है, दूसरा आपका है रेजिस्टेंस। तो हीट जो क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू रेजिस्टेंस फॉर अ गिवन करंट। और तीसरा आप देख रहे हो टीम टी, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू टाइम ऑफ विच द करंट फ्लो थ्रू द रेजिस्टेंस रजिस्टर। तो ये तीनों जो है किसके इक्वल होते हैं, हीट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन। डायरेक्टली प्रोपोर्शन का मतलब है बच्चों कि अगर इनमें से कुछ भी बढ़ेगा तो हीट भी आपकी बढ़ेगी। अच्छा अब जरा जो आपने होम लॉ अप्लाई किया था उसको हम एक बार फिर देखते हैं, वी इज इक्वल टू आई आर। अब बच्चों अगर हम इस फॉर्मूले में जो आपकी आई की वैल्यू है, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू आपकी हो जाएगी वी ओवर आर। यहां से निकालेंगे ना हम, देखो आई इज इक्वल टू वी ओवर आर। तो आपकी जो हीट है वो क्या हो जाएगी, एच इज इक्वल टू आर किसके, अब क्या हो जाएगा वी अपॉन आर का स्क्वायर, यही हो गया ना आर का स्क्वायर। और ऊपर से हम लिखेंगे आर टी। अब देखिए एच इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी। अब क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है मतलब दो आर है, तो एक आपका कैंसिल हो जाएगा और एक आपका बचा रहेगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एच इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन में आर और टी। तो ये आपका जो है हीट का तीसरा फॉर्मूला आ गया। तो इस तरह आपने जो देखा हीट के आपके पास कितने फॉर्मूला है बच्चों, तीन। पहला आपका था H इज इक्वल टू वी आई टी, और दूसरा आपका क्या था जो आपने यहां देखा, H इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी, और तीसरा आपका फॉर्मूला क्या था, H इज इक्वल टू वी स्क्वेयर आर आर और टी। तो ये तीनों फॉर्मूले जो आप हीट निकालने के लिए प्रोड्यूस कर सकते हैं। अच्छा इसको समझने के लिए हम जो है एक क्वेश्चन को लेते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन है वो है 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस ईच सेकेंड इन
a 4 ohm resistor, find the potential difference across the resistor. आपके पास जो है हीट प्रोड्यूस हो रही कितनी 100 जूल और आपका टाइम कितना है 1 सेकंड है और रेजिस्टेंस कितनी आपकी 4 ओम है, तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो निकालना है कि रेजिस्टर के अंदर कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। चलो आपके पास हीट कितनी है बच्चों, हीट है आपके पास 100 जूल, ओके, और टाइम कितना है, टाइम आपके पास है 1 सेकंड, ठीक है ना, टाइम आपके पास 1 सेकंड है, क्वेश्चन में आपको 1 सेकंड दिया था, और जो आपकी रेजिस्टेंस है और जो आपका रेजिस्टर वो कितनी थी 4 ओम, और आपको क्या निकालना है, आपको पोटेंशियल डिफरेंस जो है आपको निकालना है। तो जब हम हीट के तीनों फॉर्मूले देखते हैं तो इस क्वेश्चन के लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, तो देखिए सबसे पहले आप पहले फॉर्मूले पाइए H इज इक्वल टू वी आई टी, देखो आपका पहला फॉर्मूला क्या था H इज इक्वल टू वी आई टी, तो इस फॉर्मूले में क्या है कि आपके पास V निकालना है और I नहीं दिया हुआ है, तो हम दो दो चीजें तो एक साथ नहीं निकाल सकते हैं ना, तो इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। अब आपका जो ये तो पहला फॉर्मूला था, दूसरा फॉर्मूला क्या था H इज इक्वल टू I स्क्वायर R T, सॉरी स्मॉल T आएगा, ये आपका जो है दूसरा फॉर्मूला है। अब क्या हम इस फॉर्मूले से इसको निकाल सकते हैं, तो देखते हैं जरा, अगर हमारे पास इस फॉर्मूले के अंदर सिर्फ एक आपका जो है एक टर्म्स मिसिंग होगी तो हम इजीली निकाल सकते हैं। तो देखिए आपके पास V वो तो हमें निकालना ही है, H T है, R है, लेकिन I स्क्वायर नहीं है, वैसे हम इससे निकाल सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको I स्क्वायर निकालना पड़ेगा, फिर उसको जो हम लोग के ऊपर अप्लाई करके वहां से निकल जाएगा। तो हम क्यों ना थर्ड फॉर्मूला देखें, H इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन में R T। अब जब आप इस फॉर्मूले को देखेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें जो V स्क्वायर ये तो हमें निकालना है और R दिया हुआ है, T दिया हुआ है, हीट दे रखिए, मतलब आपके पास सिर्फ एक ही टर्म मिसिंग है। तो हम जब भी किसी फॉर्मूले के अंदर अगर आपकी एक टर्म मिसिंग होती है तो हम इजीली जो है उसको निकाल सकते हैं। तो चलो आप निकालते हैं, देखिए फॉर्मूला आपका है H इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर टी। अब बच्चों हम इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं, H आपके पास कितना है 100 जूल और वी स्क्वायर आपको निकालना है, R आपके पास है 4 ओम और T आपके पास है 1। अब देखिए इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा 100 इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन 4, क्योंकि 1 से जिसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब हम सीधा करके लिख लेते हैं V स्क्वायर इज इक्वल टू 400, कितना आया 400। अब V का स्क्वायर हटा देंगे तो कितना हो जाएगा रूट 400 हो जाएगा। तो आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस, अब 400 का रूट कितना का, देखो दो जीरो दे रखी है ना बच्चों, तो दो जीरो में से एक जीरो हम निकाल लेंगे, तो एक जीरो आएगी, सिंगल जीरो आपके पास आ गई और बचा 4, और 4 किसका रूट होता है 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 20। तो आपके पास जो है पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा 20 वोल्ट। तो अब आप समझ गए होंगे कि कैसे हम जो हीट के तीनों फॉर्मूले में से अकॉर्डिंग टू, अगर हमारे पास कोई भी टर्म एक टर्म अगर मिसिंग होती किसी भी फॉर्मूले में तो हम इजीली जो उसको निकाल सकते हैं कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा। जो आपकी इलेक्ट्रिकल पावर है वो क्या है, रेट ऑफ डूइंग वर्क और कंज्यूम ऑफ एनर्जी ऑफ पावर, तो इसको ही हम जो क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिकल पावर बोलते हैं। चलो आपका जो आपने देखा था, क्या देखा था आपने, जो आपका जूल ऑफ हीटिंग था वो क्या था बच्चों, जूल ऑफ हीटिंग था आपका एच स्क्वायर आई स्क्वायर आर टी, ये था ना आपका जूल ऑफ हीटिंग। तो ये जो आपका जूल ऑफ हीटिंग है ये भी क्या है, ये भी रिप्रेजेंट करता है, इट गिव्स द रेट ऑफ विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज डिस्पेस्ड और कंज्यूम्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो ये फॉर्मूला जो है जूल ऑफ हीटिंग हमें ये बताता है कि किस रेट से जो है जो आपकी एनर्जी है वो कंज्यूम की गई या फिर जो डिस्पर्स की गई, तो इसको भी हम जो क्या किस टर्म के अंदर यूज कर सकते हैं, दिस इज आल्सो टर्म्ड एज इलेक्ट्रिक पावर, और जो आपकी पावर होती है उसको हम डिनोट करते हैं पी से, पावर इज पी, और इसकी जो एसआई यूनिट है, जो पावर की एसआई यूनिट है वो आपकी होती है वाट,
जिसको हम जो है कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। चलो सबसे पहले जरा इसको देखते हैं। देखिए आपके पास जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ये क्या है, जरा आप थोड़ा पीछे चलिए, जब आपने पहला फॉर्मूला निकाला था क्या निकाला था, एच इज इक्वल टू हीट का पहला फॉर्मूला वी आई टी, ये निकाला था ना, और एच की जगह हमने क्या लिया था डब्ल्यू वी आई टी, इसी से हमने जो है ये वाला फॉर्मूला हीट का फॉर्मूला ड्राइव किया था, जो आपका हीट का पहला फॉर्मूला है। अच्छा तो यहाँ पे क्या हो रहा था, वर्क डन, तो वर्क डन क्या है बच्चों, वर्क डन है जो आपका वर्क डन किया गया है चार्जेस को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए। अब देखिए जो आपकी इलेक्ट्रिकल पावर है, तो इलेक्ट्रिकल पावर आपका क्या है, ये आपका वर्क डन है, और ये किसके इक्वल होता है पी इंटू टाइम, आपको समझ में आ रहा है ना ये चीज़ें। देखो जो आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो आपका है डब्ल्यू, ठीक है, और ये किसके इक्वल होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी पावर मल्टीप्लाई टाइम, तो ये भी आपका डब्ल्यू, ये भी वर्क डन था, वहाँ पर हीट के रूप में वर्क डन था, यहाँ पर ये कंज्यूम की जा रही है, इसलिए हम डब्ल्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं पी इंटू टी, लिख सकते हैं ना W की जगह, क्योंकि इसके इक्वल है, तो इसमें इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो अब क्या हो जाएगा P इंटू टी इज इक्वल टू वी आई टी। आप क्या करते हो, P इज इक्वल टू वी आई टी, इसको इधर लाएंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1 ओवर टी, अब T से T कैंसिल हो गया तो आपके पास P इज इक्वल टू वी आई, और P आपका शो करता है पावर को, तो बच्चों ये पावर का आपका क्या आ गया, ये पावर का आपका पहला फॉर्मूला आ गया, ये हीट का पहला फॉर्मूला था और ये पावर का पहला फॉर्मूला था, फर्क क्या है, इसमें से टी नहीं होगा। तो जो पावर के फॉर्मूले हैं तीनों फॉर्मूले वही फॉर्मूले हैं जो आपके हीट के हैं, बस इसके अंदर जो है टी आपका नहीं रहता है, क्योंकि ये रेट ऑफ टाइम दिखाता है कि किस रेट से हुआ है, इसलिए इसके अंदर टी नहीं होता। अच्छा आप जरा दूसरा फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। देखिए दूसरा फॉर्मूला आपका यही था ना, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, तो देखो एच की जगह हम डब्ल्यू लिख, डब्ल्यू की जगह हम क्या लिखेंगे पी इंटू टी और आई स्क्वायर आर टी, अब पी इधर लाएंगे हम आई स्क्वायर आर मल्टीप्लाई टी मल्टीप्लाई वन ओवर डी, तो ये आप वन ओवर डी ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो पी कितना आ गया आपका आई स्क्वायर आर, तो ये आपका पावर का दूसरा फॉर्मूला आ गया। अब बच्चों यहाँ पर एक बात खास ध्यान देने वाली है, आप पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर का जो फॉर्मूला वो तब यूज करोगे जब आपके रजिस्टर जो है वो सर्कल जो आपके सर्किट है उसके अंदर किस में लगेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में लगे होंगे, तब आप अगर आपको पावर निकालनी है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, कब, जब वो किस में लगेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर आपके रजिस्टर लगे होंगे। अच्छा अब तीसरा फॉर्मूला, जो आपका तीसरा फॉर्मूला था वो क्या था, वो आपका था एच इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर टी, तो देखो एच की जगह फिर वही करेंगे हम डब्ल्यू पी इंटू टी और वी स्क्वायर ओवर आर मल्टीप्लाई टी, और पी की वैल्यू निकालेंगे तो वी स्क्वायर ओवर आर मल्टीप्लाई टी मल्टीप्लाई वन ओवर टी, टी से टी कैंसिल हो गया बच्चों, तो पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर, पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर में आर, तो बच्चों ये आपका जो है हीट का तीसरा फॉर्मूला आ गया, क्या आया P इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर R, और इसमें भी आपने ध्यान रखना है कि ये पावर का ये फॉर्मूला तब यूज होगा जब आपके जो है जो सर्किट है उसके अंदर रजिस्टर किस में लगे होंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हैं और आपको पावर निकालनी है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, और अगर आपके सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर रजिस्टर लगे हुए हैं और आपको पावर निकालनी है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। अच्छा अब आपने देखा था जो पावर है इसकी एसआई यूनिट क्या थी, इसकी एसआई यूनिट थी बच्चों वाट, तो वाट जो है आपकी वो स्मॉल यूनिट है, लेकिन अगर आपको बड़ी यूनिट यूज करनी होगी तो हम क्या यूज करते हैं, हम करते हैं किलो वाट आवर, तो जो आपका वन किलो वाट आवर होता है वो किसके इक्वल होता है, वो थाउजेंड वाट का इक्वल होता है, जब हम इसको जो है ड्राइव करते हैं तो आपका 1 किलो वाट इज इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 जूल होता है, और इज अ कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और किलो वाट आवर के जो आपकी यूनिट होती है इसको हम क्या कहते हैं, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी।